हेलो दोस्तों, हाज़िर हो गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ मेरे गुलाब के ऊपर वीडियो। तो अभी जो पौधा आप देख रहे हो दोस्तों, इस पर जो है डिजीज़ लगे हुए हैं और ये है स्केल की बीमारी। तो ये देखिए, बहुत ही ख़तरनाक होते हैं ये बीमारी दोस्तों। अभी जो है 2 महीने पहले मेरे पूरे पौधे में जो है ये जो बीमारी है वो लग चुकी थी, जिसको स्केल की बीमारी कहते हैं। और सिर्फ एक पौधे में नहीं, यहाँ पर 3 पौधे में जो है ये बीमारी लग चुकी थी दोस्तों। तब जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि गलती मेरी ही थी। मैंने जो है अभी गर्मी होने के जब गर्मी स्टार्ट हुई थी, तब से जो है मेरी रोज़ गार्डन के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। ज़्यादातर मैं व्यस्त रहती थी, मेरी जो मिडिल वाली गार्डन है उसी के ऊपर ज़्यादातर जो है मैं व्यस्त रहती थी, उन पौधों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो यहाँ पर जो है इसी के कारण देखिए, मेरे जो गुलाब के पौधे हैं करीबन सभी जो है 2.5 साल 3 साल के पुराने हैं और सभी बड़े बड़े पौधे हैं। तो यहाँ पर देखिए, 3 पौधे में जो है अभी ये बीमारी लग चुकी थी करीबन 2 महीने पहले। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, ये पौधा सेम पौधा है, आप देख रहे हो यही पौधा है दोस्तों, अभी जो मैंने कुछ ही देर पहले आपको दिखाया था। तो अभी देखिए, पौधा जो है बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, फ्लावरिंग भी कर रही है और नए नए ब्रांच भी आ रहे हैं। पौधे जो है पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। मैं आपको नीचे की जो ब्रांचेस है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, नए नए जो ब्रांचेस है वो आ रहे हैं। हालांकि कुछ जो है डाईबैक के कारण मैं कुछ ब्रांच जो है मुझे काटने भी पड़े, लेकिन पौधे जो है मेरे सेफ हो चुके हैं। यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर पूरी जो है स्केल लगी हुई थी चारों तरफ से, लेकिन अभी बिल्कुल साफ हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए, पूरी तरीके से जो है मेरे पौधे से जो है स्केल की बीमारी हट चुके हैं। और सिर्फ ये पौधा नहीं, मेरे जो 3 पौधे थे उनमें से भी स्केल की जो भी है बीमारी हट चुके हैं। तो मुझे जो है इस पर जो है कोई भी ब्रश का भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बता रही थी कि जब ये डिजीज़ जो प्रॉब्लम आई थी स्केल की बीमारी, तब मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि बड़े बड़े पौधे थे मेरे, अगर एक भी पौधे मर गए तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता। तो उसी के कारण जो है मैंने तब बहुत सारे वीडियो भी देखी थी। और जो यहाँ पर दोस्तों, ये जो आप ब्रांच देख मैं अभी दिखा रही हूँ, इस पर भी जो है, इस ब्रांच पर भी स्केल की बीमारी लग चुकी थी, लेकिन अभी जो है इस पर से भी जो है पूरी जो है साफ़ हो चुके हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, तो मैं जो बताने वाली थी कि जब ये प्रॉब्लम आई थी स्केल की बीमारी, तब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो हर एक वीडियो में ज़्यादातर मैंने देखा कि वो लोग जो है ब्रश से जो है अपने पौधे को साफ़ कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर वीडियो में मैंने देखा कि छोटे से पौधे में लगे होते हैं और ब्रश से जो है आसानी से साफ़ कर लेते थे। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे जो पौधे हैं ये बड़े बड़े पौधे हैं, और बड़े पौधे में जो है अभी डिजीज़ लग चुके हैं और पूरे पौधे में फैल चुकी थी। तो ब्रश से करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तब मैंने जो मेरे घर के पास एक फर्टिलाइज़र की दुकान है, सिर्फ फर्टिलाइज़र नहीं, वो जो है दवाइयाँ वगैरह भी रखते हैं, तो उनके पास मैं गई थी और मेरी जो प्रॉब्लम है उन लोग को मैंने बताया कि मेरे पौधे में जो है स्केल की बीमारी लग चुकी है। और मैंने उनको वीडियो भी दिखाया मेरे पौधे की और फ़ोटो भी मैंने दिखाई थी। तब उन्होंने जो है 2 तरह की दवाइयाँ मैं मुझे दी थी। तो इतनी अच्छी है वो दवाई दोस्तों, सिर्फ 3 बार मैंने यूज़ करी थी, उसके बाद ही जो है मेरी पौधे में से जो है पूरी स्केल हट चुकी है। और अभी आप खुद देख सकते हो, पौधे जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है चल रहे हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपके साथ वो वाली दवाइयाँ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरे एक व्यूअर्स है, बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे गुलाब के पौधे उनसे शेयर करूँ। मैंने बहुत दिन से गुलाब के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो उसी के लिए अभी जो पौधे की कंडीशन है मेरे गुलाबों की, ज़्यादा तो अच्छे नहीं है, लेकिन जितने भी जैसे भी है वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, 3 कटिंग जो मैंने लगाई थी देसी गुलाबों की, बहुत ही अच्छी तरह से ये चल रहे हैं। और ये देखिए, कलियाँ भी आ चुके हैं और एक में जो है अभी फ्लावरिंग भी हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है 3 कटिंग की अपडेट है। और उसके बाद, और ये छोटा सा पौधा है दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मैंने इसको लगाया है,
और इस पर देखिए फ्लावरिंग तो हो रहे हैं, लेकिन इसके पत्तों पर देखिए अभी काले काले से स्पॉट है जो फंगस की वजह से है। अभी जो मौसम चल रहा है दोस्तों, हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे गुलाबों पर जो है फंगिसाइड का यूज़ करना। और अभी जो है मेरे कुछ पौधों में जो है थ्रिप्स का भी अटैक हुआ है, तो उसके लिए भी मैं अभी दवाइयाँ वगैरह तो दे रही हूँ, लेकिन जो है कंडीशन अच्छी नहीं है दोस्तों। लेकिन अभी से जो है मुझे थोड़ी सी केयर करने हैं मेरे गुलाबों को, क्योंकि सामने जो है सर्दी आने वाली है, तब गुलाब की सीज़न है। तो इसलिए जो है अभी से मैं धीरे धीरे से जो है इनको खाद वगैरह देना शुरू करूँगी, और वो सारी चीज़ आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये और एक मिनिएचर वेराइटी के गुलाब का पौधा है, तो थोड़ी सी जल्दी जल्दी मैं वीडियो दिखा रही हूँ ये जगह, क्योंकि नहीं तो वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से है कंडीशन, अभी बहुत अच्छी तो नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है और अचानक से जो है बहुत बारिश शुरू हो जाते हैं, और कई बार जो है बारिश के बाद तुरंत जो है बहुत तेज़ धूप निकलती है, तो वो चीज़ें जो है गुलाब के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो चल रहे हैं बस इसी तरह से, देखिए मैंने जो है मेरी सारे गुलाब के पौधे आपसे शेयर कर रही हूँ, कुछ इसी तरह की कंडीशन में है, खिल रहे हैं चार पांच करके गुलाब चल रहे हैं बस इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही दवाइयाँ है जिनको मैंने स्केल के लिए इस्तेमाल करी थी, जो उन्होंने मुझे दी दी थी। तो एक तो है बैक्टीरिया की दवाई, ये देखिए ये बैक्टीरिया की दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। आप स्केल को छोड़ के वैसे भी अगर आपके गुलाब की पत्तियाँ येलो होकर गिर रही होती है तब भी आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकती हो। और ये देखिए, ये उनको मैंने बताया था ये किस चीज़ की दवाई है, तो उन्होंने कहा ये एक फंगिसाइड है, तो बहुत अच्छी फंगिसाइड है दोस्तों। प्राइस में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन एक लीटर पानी में जो है 1 से 1.5 ml लेकर मैंने जो है डाली थी। और ये दोस्तों ये है स्टिकर, स्टिकर का मतलब है दोस्तों हम जब भी पौधों में जो है दवाइयाँ वगैरह देते हैं तो कई बार जो लग नहीं पाते हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन स्टिकर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो दवाई जो है वो चिपक जाती है पत्तों के साथ। तो ये जो स्टिकर है ये आपको 1 लीटर पानी में जो है 10 से 12 बूंद डालने हैं, तभी का तो ही काफ़ी है। और ये स्टिकर जो है हर कोई दवाई हो, इंसेक्टिसाइड हो, आप मिलाकर जो है दे सकते हो। और जो ये बैक्टीरिया की दवाई है तो इसको जो है अभी 1 लीटर पानी में मैं कितना देती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अगर 1 लीटर पानी में आप लेते हो तो बस इतना सा ही आपको लेना है, थोड़ी सी आपको बस लेना है। और बस इन तीनों चीज़ों को मैंने मिलाया था, और शाम के जो है 4 से 5 बजे में ही मैंने जो है इस्तेमाल करी थी। और जब आप इस्तेमाल करो तो अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, टहनियों पर भी देना है, पत्तों पर भी देना है, और नीचे मिट्टी पर भी आपको जो है दवाइयाँ डालने हैं ताकि मिट्टी के नीचे जड़ों तक ये दवाइयाँ पहुँचे। तो बस इसी चीज़ का मैंने इस्तेमाल करी थी, और दोस्तों सिर्फ 3 से 4 टाइम मैंने यूज़ करी थी तभी जो है मेरे पौधे में से जो है स्केल पूरी की पूरी हट चुकी थी। अभी जो है मेरे पौधे बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन अभी भी जो है मैं जो 15 दिन में एक बार थोड़ी सी मैं इन सब पर जो है स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि ये फंगिसाइड का भी अभी काम कर रहे हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी आपको। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।